पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। अगर हम बात करें मिनिमम तापमान की तो लोएस्ट मिनिमम तापमान जो है फुलवानी का 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके बाद लोएस्ट मिनिमम तापमान हिल स्टेशन सिमलीगुड़ा में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 20.9 और कटक में 19.6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान दर्ज किए गए। उसके अलावा जो हमारे चांदवाली, कटक, पारादीप, भुवनेश्वर, अनुगुल, खुर्दा, जैसलमेर, केंद्रपाड़ा 8 जगह पे डेंस फॉग भी ऑब्जर्व की गई है और शैलो टू मॉडरेट बारिश केंद्र में ऑब्जर्व की गई है। अगर बात करें अब फिलहाल जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की तो उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली तो कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में बनी हुई है और नेबरहुड में बनी हुई है वो समुद्र से 0.9 किलोमीटर हाइट पे जा रही है, उसके प्रभाव से और बे ऑफ बंगाल में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसकी वजह से मॉइस्चर इंकर्शन हो रही है और अपर लेवल जो सपोर्ट होने की वजह से हमारे आज के जो वेदर रहेगा उसमें हमारा इंटीरियर उड़ीसा और साथ में बालासोर भद्रक इंडिया में लाइट टू मॉडर्न आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकती है। उसके अलावा जो हमने जो वार्निंग दे रखी है इसमें अनुगुल, ढेंकनाल, बोध, कंधमाल, नयागढ़, गंजम, गजपति, खुर्दा, पुरी, जैसलमेर, केंद्रपाड़ा, कटक, जाजपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर कल सुबह में आइसोलेटेड प्लेसेस पे फॉग होने की संभावना, डेंस फॉग होने की संभावना, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जो हमारे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केवंझर, वीरभूम इन डिस्ट्रिक्ट में जो आइसोलेटेड प्लेसेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और हेलस्टॉर्म भी होने की संभावना है, इसकी वजह से यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 16 तारीख को जो वेदर तो 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है अगले 6 दिन तक 7 दिन तक, उसके बाद दूसरे 7 दिन तक, लेकिन उसके साथ लेकिन फोक की जो संभावना है हमारे कोस्टल उड़ीसा पूरा और उसके साथ साथ कंधमाल, रायगढ़, कालानी, नवरंगपुर, कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेस पे डेंस फॉग होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। टेम्परेचर फोरकास्ट में बात करें तो अगले 4 से 5 दिन तक तापमान मिनिमम तापमान है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।